हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण के बारे में, कुछ ऐसे संकेत के बारे में, जिससे कि आप बहुत ही आराम से तुरंत पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सुरक्षित है और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला लक्षण है वो है आपके बच्चे का वज़न। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। देखिए, अब आप सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा। तो आपके प्रेगनेंसी के दौरान 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड में और थर्ड में। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे ज़्यादा भी अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि बच्चे का वज़न कितना है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में और भी तेज़ी से बच्चे का वज़न बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि अल्ट्रासाउंड में देखना है कि आपके बच्चे का वज़न कितना है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे का वज़न सही है तो आप मान के चलिए कि बच्चे का वज़न सही है। अगर कम है तो आपको क्या करना है कि अच्छे से खाने पीने पे ध्यान देना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा लक्षण है वो है बच्चे का हलचल करना। तो देखिए, नॉर्मली कुछ महिलाओं को 18वें वीक से और ज़्यादातर महिलाओं को 20वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह तक बच्चे का हलचल महसूस होना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि चौथे महीने के लास्ट में आपको हल्का फुल्का हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही अपने बच्चे की हलचल महसूस होती है, और मुझे भी प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही अपने बच्चे की हलचल महसूस हुई थी, वो भी लास्ट में जाके। यानी कि पहले आपको कम होता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो आप इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। आपको लगता है कि पेट में कुछ कुलबुलाहट सी हो रही है, कुछ झंझनाहट सी हो रही है। मतलब कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पेट में गैस बन रहा है, लेकिन वो आपके बच्चे की हलचल होती है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादा किक नहीं कर पाता, ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, उस समय आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हलचल करता है और आप बहुत ही आराम से महसूस कर सकती हैं कि आपका बच्चा हलचल कर रहा है। देखिए, कुछ बच्चे ना रात में ज़्यादा हलचल करते हैं, कुछ बच्चे दिन में ज़्यादा हलचल करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा ज़्यादा हलचल कब कर रहा है। बाकी देखिए, आपको ना खाने पीने का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप कम खाते हैं तो आपके बच्चे को एनर्जी कम मिलेगी तो बच्चा कम हलचल करेगा। इसलिए अच्छे से खाइए पीजिए। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि खाना खाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के बाद आपका बच्चा कितना हलचल कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि बच्चा हलचल कर रहा है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम आराम से लेटते हैं तो अपने बच्चे की हलचल को महसूस कर पाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा बच्चा रात में बहुत हलचल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा दिन में भी हलचल करते हैं। बाकी देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा बच्चा ठीक से हलचल कर रहा है या फिर नहीं। तो नॉर्मली बच्चे 2 घंटे में 10 से 12 बार हलचल करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 24 घंटे के अंदर भी हलचल नहीं कर रहा है या फिर आपके बच्चे की हलचल बहुत ही कम हो गई है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकती हैं, आप कुछ मीठा खा लीजिए और उसके बाद ठंडा पानी पी लीजिए। ऐसा माना जाता है कि ठंडा पानी पीने से, कुछ मीठा खाने से बच्चे हलचल करना शुरू कर देते हैं। तो आप मीठा खा लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए और आराम से लेट जाइए और देखिए कि आपका बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद भी आपका बच्चा हलचल नहीं करता है तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका बच्चा हलचल थोड़ा कम करने लग जाता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको पूरे पेट में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है। नीचे के एरिया में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पेट के ऊपर के हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होती है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो बच्चे का पैर ऊपर चला जाता है और बच्चा पैर से बहुत ज़्यादा हलचल करता है, किक करता है। तो पेट के ऊपर के हिस्से में आपको ज़्यादा हलचल महसूस होगी 8वें 9वें महीने में, और नीचे के एरिया में कम हलचल महसूस होगी। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आया है या फिर नहीं आया है, इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। लेकिन 9वें महीने में थोड़ा सा हलचल कम हो जाता है पहले के मुकाबले। अगर आपको लगता है कि बच्चा एकदम से ही बहुत ज़्यादा हलचल करने लग गया है तो आपको ऐसे में डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए, या फिर एकदम से बहुत कम कर रहा है तो भी बात करनी चाहिए, या फिर 24 घंटे में एक बार भी हलचल नहीं किया है
तब भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे की हलचल होना भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके बाद एक लक्षण होता है भूख लगना। मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्टार्टिंग में भूख कम लग रही है, नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम बहुत सारी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, लेकिन चौथे महीने से अधिकतर महिलाओं को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे तरीके से भूख लग रही है तो मतलब ये है कि आपका बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। अगर आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में भी, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में भी भूख नहीं लग रही है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि इस समय सभी महिलाओं को भूख लगती है। आपको नहीं लग रही है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। हो सकता है कि कई बार ना हम एक ही चीज़ को बार बार खाते हैं तो मन नहीं करता खाने का, या फिर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो मन नहीं करता। इसलिए ध्यान रखिए तबीयत ख़राब ना हो। इसके अलावा आप खाना थोड़ा बदल बदल के खाइए तो आपको ज़रूर भूख लगेगी और आप आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती है ना, तभी से आपके ब्रेस्ट में यानी कि स्तनों में ना कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। हर एक महीना आपके स्तनों का आकार बढ़ता है और प्रेगनेंसी के नौवें महीने में तो बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। इसके बाद एक लक्षण है पेट का आकार बढ़ना। नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार बढ़ता है। जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ही आपके पेट का आकार भी बढ़ता रहता है। नौवें महीने में तो आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और देखिए, पेट का आकार बढ़ना ना महिलाओं पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई महिला लंबी है तो उसका पेट दिखने में थोड़ा छोटा लगता है। जो महिलाएं थोड़ी हाइट में कम होती हैं उनका पेट दिखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है। इसके अलावा बच्चे के ग्रोथ पर भी पेट का आकार डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वजन के होते हैं, कुछ बच्चे कम वजन के होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल वजन के होते हैं, तो उस हिसाब से भी आपके पेट का आकार बढ़ता है। बाकी देखिए, आपको नहीं पता चल पाएगा कि मेरा पेट का आकार सही तरीके से बढ़ रहा है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सहायता ले सकती हैं। डॉक्टर के पास जाके आप अपने पेट को नपा सकती हैं कि मेरा पेट का साइज ठीक है या फिर नहीं है। अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि कुछ दिक्कत है तो वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह करवाएंगी। बाकी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आपको अपने बच्चे के ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है, तो आप इस तरीके से भी कंफर्म हो सकती हैं कि आपके बच्चे का ग्रोथ ठीक है या फिर नहीं है। इसके बाद बहुत ही बड़ा लक्षण होता है आपके बच्चे की दिल की धड़कन यानी कि बच्चे का FHR। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आपको आपके बच्चे का FHR नज़र आता है। अगर आपके बच्चे का FHR बिल्कुल नॉर्मल है तो ये बहुत ही बड़ा लक्षण है कि आपका बच्चा घर में बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे की दिल की धड़कन 110 से लेकर 180 BPM तक हो सकता है। नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें वीक में ना बच्चे की दिल की धड़कन 90 से लेकर 110 हो सकता है, यानी कि बीट्स पर मिनट हो सकता है। और अगर 9वें वीक की बात करें, मतलब कि 9वें वीक में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बेबी का जो FHR है यानी कि जो दिल की धड़कन है वो लगभग 140 से लेकर 170 180 BPM तक चला जाता है। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस समय बच्चे के दिल की धड़कन जो है लगभग 110 से लेकर 160 के बीच में रहती है। और ऐसा ही थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होता है, बच्चे की दिल की धड़कन 110 से लेकर 160 के बीच में रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि इसी बीच में आपके बच्चे की दिल की धड़कन है तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ है। और देखिए, आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी रहने वाली है, आपका बच्चा कितना हेल्दी रहने वाला है, ये माँ पे भी डिपेंड करता है। यानी कि माँ की उम्र कितनी है, माँ को कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड की, डायबिटीज़ की, BP की प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम। इसके अलावा माँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, माँ कितना एक्टिव रहती है, खान पान का क्या ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज का क्या ध्यान रखती हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका बच्चा कितना हेल्दी रहेगा। बाकी देखिए, आपका बच्चा कितना हेल्दी है इसके बारे में आपको बहुत ही आराम से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है। तो आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए और इसके बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे ही कि आपको कितना कराना चाहिए, कब करवाना चाहिए। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट देंगी, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की सप्लीमेंट देंगी। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको फोलिक एसिड दिया जाता है जिससे कि आपके बच्चे को तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको वो भी लेना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर देती हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, बच्चे के वजन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डॉक्टर आपको जो भी सप्लीमेंट देती हैं, जो भी टेस्ट करवाती हैं, जो भी दवाइयाँ देती हैं, वो आपको टाइम पर लेना होता है, तभी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है और आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, बिल्कुल सेफ रहता है और हेल्दी रहता है। तो आपको
इन्हीं चीज़ों पर नज़र रखनी है, बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।